हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हियर्स मी केरी अनुष। आज आपके लिए लाई हूँ एकदम अलग रेसिपी फिर से। तो हियर्स माय स्नैक्स रेसिपी सीरीज J5, जहाँ मैं आपके साथ शेयर करूंगी अलग तरीके की रेसिपीज जिसे आप ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स में, किसी भी तरीके से खा सकते हैं। ये आपके लिए क्विक रेसिपीज होने वाली है जिसे आप जरूर देखें। अगर आपने मेरी पूरी सीरीज नहीं देखी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी पूरी सीरीज मेरे चैनल पे जरूर जाके देखें। तो आज की स्पेशल रेसिपी है पोटैटो नूडल्स। अगर आपका नूडल्स खाए का मन है या फिर अगर आप अपने बच्चों को नूडल्स खिलाना चाहते हैं, मैक्रोनी, पास्ता, कुछ भी, तो उसकी जगह आप ये रेसिपी जरूर बनाएं। ये हेल्दी भी है और बहुत ही अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की टेस्टी रेसिपीज पोटैटो नूडल्स। सो पोटैटो नूडल्स बनाने के लिए आपको बॉइल्ड पोटैटोज लेने हैं। यहाँ पे मैंने 3 बॉइल्ड पोटैटोज लिए हैं जिसे आप अच्छे से मैश कर लीजिए। सो पोटैटोज को अच्छे से मैश करने के बाद आप इसमें 1/2 कप कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लोर ऐड करें। यहाँ पे मैंने 1/2 कप कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप इसमें हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगा के इसे अच्छे से मिक्स करके इसका बढ़िया सा डो बना लीजिए। आपको इसे एकदम स्मूथ बनाना है, जस्ट लाइक दिस। अब हम इसको कट करेंगे। अब हाथों में थोड़ा सा रिफाइंड लगा के इसे अच्छे से गूंथ लीजिए। अब आप इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाइए। अब आप इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करिए। जस्ट टेक 1 knife एंड कट दिस लाइक दैट्स इट। अब आप इन सबके छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। दैट्स इट। बोर्ड पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डस्ट करिए और अपने सभी बॉल्स को प्लेस करते जाइए। सो सभी आलू के बॉल्स को इस तरीके से शेप देने के बाद आप एक बॉटल ले लीजिए। आप केचप या कोल्ड ड्रिंक किसी का भी बॉटल ले सकते हैं, जिसके आप टिप पे थोड़ा सा ऑयल या रिफाइंड लगा लीजिए इस तरीके से। अब आप अपने बॉल्स में ऐसे डिप करिए और इसे निकाल लीजिए। दैट्स इट। इसी तरीके से हम सभी बॉल्स को शेप देंगे। बस अब इसको बाहर निकाल लीजिए। इस तरीके से आपको शेप देनी है अपने सभी बॉल्स को। यहाँ पे मैंने पैन में 2 लीटर पानी गरम किया है। एकदम उबलते हुए पानी में आपको इसे बॉईल करना है। तो बारी बारी आप अपने सभी बॉल्स को इसमें बॉईल करेंगे। फ्राई नहीं करना है, आपको बॉईल ही करना है, जिससे आपके सभी नूडल्स एकदम हेल्दी और अच्छे बने। अब आपको इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। अब हमारे सभी नूडल्स एकदम अच्छे से बॉईल हो गए हैं। आप इसे ऐसे चेक कर सकते हैं। आप इसे नाइफ या फिर किसी भी स्पून की मदद से चेक कर लें ये पक गए हैं कि नहीं। जैसे हम एकदम स्पंजी हो गए हैं, मतलब ये हमारे सभी पोटैटोज डन हो गए हैं। अब आप इसको छान लीजिए। यहाँ पे मैंने पैन हीट कर लिया है जिसमें मैंने 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाले हैं। अब हम इसमें अपने सभी पोटैटोज को हल्का सौटे करेंगे। बारी बारी सभी को प्लेस करिए पैन में। अब आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर लीजिए। देन थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, जितना भी आप तीखा खाते हो उतना ही चिली पाउडर डालें। इसके बाद 1 teaspoon सोया सॉस। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम अपने पोटैटो नूडल्स को एक सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। ऐसे ही और अमेजिंग और टेस्टी रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करें कैटी अनुष। थैंक्स फॉर वॉचिंग।